आज हमारे पास मारुति सुजी की सिलेरियो का टॉप एंड वेरिएंट एंड इस वीडियो में हम इस कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है सबसे पहले बता दूं कार के प्राइस के बारे में तो सात आठ लाख के बजट में अगर आप कोई कार देख रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस है सेवन पॉइंट फिफ्टीन लैख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस एंड ये ऑन रोड आते आते आपको आठ लाख के समथिंग पड़ जाएगी एंड ये इसका टॉप मॉडल रहने वाला है ऑफकॉर्स अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर हमें वही सीरीज वाला एक हजार सीसी वाला इंजन मिलता है सिक्सटी सिक्स बी एच पी की पावर एंड एट्टी नाइन एन एम का टॉक जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम है एंड ट्वेंटी फोर के समथिंग इस कार का जो है माइलेज रहने वाला है माइलेज काफी बढ़िया रहने वाला है इस कार के हिसाब से इस कार का काफी बढ़िया रिफाइंड रहने वाला है कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह भी इस कार के इंजन के अंदर नहीं रहने वाली है तो जो कि की काफी बढ़िया ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से बाकी अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेलोजन का सेटअप मिल जाता है हेलोजन में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेड हैंडलैम्प मिल जाते हैं एंड नीचे की साइड आपको फॉग लैम्प भी मिल जाता है इसी मॉडल के अंदर एंड यहाँ पर क्रोम लाइनिंग का भी वर्किंग देखने को मिल जाता है और क्रोम गार्निशिंग यहाँ पर कम से कम ही यूज की गई है जिसकी वजह से कार और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जैसे कि फ्रंट ग्रिल पर आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर सुजी का लोगो मिल जाता है क्रोम में एंड ये ब्लैक आउट फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है नीचे की साइड डी एटी मिल जाती है यहाँ पर भी आपको ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ करते हुए देखने को मिल जाता है कोई भी स्क्रिट प्लेट वगैरह इस मॉडल के अंदर जो है नहीं आती है इवन किसी भी मॉडल के अंदर नहीं आती है आप एक्सरीज में लगवा सकते हैं वाइपर सिंपल वाले हैं एंड ओवरऑल फ्रंट लुक कार के कुछ टाइप के निकल कर आते हैं दिखने में काफ़ी क्यूट सी लगती है फ्रंट से देखने में बाकी अभी मेनली बात कर लेते हैं कार के साइड लुक के बारे में तो साइड से देखने में कार का साइज जो है काफी कॉम्पैक्ट सा ही रहने वाला है क्योंकि एक हैचबैक कार एक परफेक्ट हैचबैक कार के हिसाब से ये साइज एकदम परफेक्ट है एंड बात कर लेते हैं शुरुआत करेंगे इसके टायर से तो यहाँ पर आपको आर फिफ्टीन इंच जाते हैं ब्लैक डॉल फिनिशिंग के साथ एंड प्रोफाइल आप देख सकते हैं प्रोफाइल भी ठीक ठाक ही है एंड सुजुई का लोगो मिल जाता है बीच की साइड फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक मिल जाता है ड्रेयर की साइड आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं जो की इस सेगमेंट की गाड़ियों में यही ब्रेकिंग सिस्टम चलता है तो यही आता है इसमें भी बाकी फेंडर के ऊपर जो कोई केटर की के प्लेसिंग नहीं मिलती है क्योंकि आपको और के ऊपर ही इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाती है एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं और में विद ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ ही पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाते हैं बाकी साइड की तरफ भी क्रोम गार्निशिंग का यूज होता है देखने को मिल जाता है पिलर्स आपको एक ब्लैक आउट देखने को मिलता है कोई रूफ रूफरेस वगैरह नहीं है एंड सन वाइजर इसके एक्सेरीज का पार्ट है बॉडी मोल्डिंग्स मिल जाते हैं नीचे की साइड ब्लैक आउट फिनिशिंग के साथ ही बाकी इस कार का व्हील बेस काफी अच्छा खासा है मतलब डिसेंट साइज का व्हील बेस मिल जाता है जिसकी वजह से अंदर ठीक ठाक स्पेस भी बन जाता है बाकी अभी चलते हैं इस कार के पीछे की साइड तो सबसे सब पहले ऊपर की साइड ये ब्लैक कलर का स्पॉयलर मिल जाता है कुछ टाइप के इसके रेयर लुक आने वाले हैं एंड पीछे की साइड सबसे सब पहले ऊपर की साइड ये स्पॉयला मिल जाता है पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ही जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है काफी स्पोर्टियर सा लग रहा है और पीछे की साइड आपको सिलैर की बैचिंग मिल जाती है एंड रेयर की साइड का लाइटिंग सेटअप की बात करेंगे तो कम्पलीटली हेलोजन का सेटअप यहाँ पर रहने वाला है ब्रेकिंग लाइट सेटअप एंड इंडिकेटर वगैरह सभी कुछ आपको हेलोजन में ही मिलते हैं नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं नॉन फंक्शनिंग के साथ विद पार्किंग सेंसर्स की प्लेसिंग भी यहीं पर ही दी गई है दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और पीछे की साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं जो की काफी अच्छी बात है बूट के लिए एक अलग से दिया हुआ है एंड बूट स्पेस के बारे में बात करेंगे अभी मेनली तो बूट स्पेस के साथ सबसे पहले यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे दी गई है इसी के साथ ही इस मॉडल के अंदर आती है ये बाकी नंबर्स के अकॉर्डिंग ये बूट स्पेस है 313 लीटर का इसका बूट स्पेस रहने वाला है आराम से यहाँ पर आपके तीन से चार बैग आराम से आ जाएंगे एंड सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट के साथ ये फ्रंट सीट मिल जाती है आगे से बैठ के दिखाऊंगा अभी वो सब बाकी स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको जो है इसके नीचे की साइड मिलने वाली है इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आर फोर्टीन स्टील रिम्स मिल जाता है स्पेयर व्हील जो है अलग साइज का स्पेस सेवर में दिया हुआ है टूल तो किट वगैरह यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है इसी के साथ ही तो कुछ इस टाइप का ही है इसका बूट स्पेस इस बाकी कवरिंग वगैरह प्रॉपर मिल जाती है यहाँ पर ही अभी इसको बंद करते हैं एंड पीछे की साइड वाइपर वॉशर एंड डिफोकर जो है यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है इस मॉडल के अंदर क्योंकि ये टॉप मॉडल वेरियंट रहने वाला है हाई अमाउंटेज टॉप लैम्प भी मिल जाता है वॉशर के साथ ही और ओवरऑल कार के रेयर लुक कुछ इस टाइप के

और गेट शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाएगा क्योंकि यहां पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड यहां पर कोई भी पैडल शिफ्टर वगैरह इसके अंदर नहीं आता है ऑफकोर्स और स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील इस सभी कंट्रोल मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं आता है ऑफ कोर्स इवन सिलैर किसी भी मॉडल के अंदर जो है क्रूज कंट्रोल नहीं आता है कॉल कटन रिसीव के बटन मिल जाते हैं वॉइस कमांड के फीचर मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इसको इन्फर्टेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये कम्पलीटली ब्रेजा वाली जो ब्रेजा के अंदर आती थी पहले के टाइम पे वही वाली इन्फर्टेनमेंट सिस्टम ये रहने वाला है और मेनली इधर की साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ओ आर को ऑटो फोल्डिंग के कंट्रोल के बटन यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं दोनों ही साइड को एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन यहां पर मिल जाता है आपको और बाकी हेडलैंप लेवलर का स्विच आपको यहां पर मिल जाता है सभी कुछ यहाँ पर आपको राउंडी एलिमेंट का देखने को मिलता है इधर की साइड देखेंगे ये ए सी वेंट जो आप देख रहे हैं इधर इसकी थ्रो इधर को भी सेट कर सकते हैं आप जिसके थ्रू आप अपने शीशे की जो हो रहा होता है उसको साफ कर सकते हैं बाकी इसके ऊपर सिल्वर की फिनिशिंग भी मिल जाती है जो काफी अच्छी लग रही है इसके ऊपर और स्टेयरिंग व्हील भी इसका राउंड ही है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको कम्प्लीटली राउंडी एलिमेंट के साथ ही मिलता है और अभी इधर की साइड आते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे इसके इन्फरटेनमेंट सिस्टम के बारे में तो यहां पर आपको मिलता है सेवन इंच का स्मार्ट इन्फरटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर हमें चार स्पीकर रहने वाले हैं गाड़ी के अंदर

यहाँ पर आपको कम्प्लीटली ब्लैक आउट मटेरियल का ही यूज किया गया है ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही ये रहने वाला है ओवरऑल एंड यहाँ पर एक करवी जो आप शेप में देख रहे हैं यहाँ पर अगर एम एंड लाइट होती तो ज्यादा बेटर होता बट वो भी बीच कलर के ऊपर अच्छी लगती हैं, पूरा ही ब्लैक कलर है तो शायद आपको ये ना अच्छी लगें एंड इधर की साइड आएंगे तो ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट इनफ स्पेस के साथ ये मिलता है कोई ज्यादा खास डीप स्पेस नहीं है एंड लैम्प वगैरह भी इसके अंदर नहीं मिलता है एसी वेंट आपको सेम ही मिलता है एज सच इधर की साइड वाला ही एंड इधर की साइड तो ओ आर के कंट्रोल हो गए एंड इधर की साइड आपके पावर विंडो कंट्रोल हो गए टू इनका फोल्डर्स मिल जाता है इधर की साइड फोन वगैरह रख सकते हैं छोटा मोटा स्पेस है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जैसे कि मैंने आपको बताया इसलिए यहाँ पर आपको क्लच नहीं मिलता है एंड डेड पेडल यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है और इधर की साइड आपको ब्रेक लीवर कुछ टाइप का मिलता है और पीछे की साइड के कंट्रोल विंडो कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बाकी यहाँ से सिर्फ आप आगे वाली कंट्रोल कर सकते हैं एंड पीछे वाला पैसेंजर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि पीछे की साइड भी डोर पर नहीं है बाकी बात करूं सिटिंग कंफर्ट के बारे में तो मेरे हिसाब से इसकी सीट काफी ज्यादा सही देने वाली है एंड बट यहाँ पर आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलती है इवन पीछे की साइड भी एंड आगे की साइड भी फिक्स हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं सीट बेल्ट अलर्ट वगैरह की वार्निंग वगैरह सभी कुछ देखने को मिल जाती है सेफ्टी के मामले में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है सेफ्टी काफी कम ही रहने वाली है एंड सीट की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी लगी मुझे एंड हालांकि ये फैब्रिक सीट अपॉजिटी के साथ आती है एंड यहाँ पर आपको जो है लेदरिड सीट अपॉजी कवर जो आप देख रहे हैं ये एक्सेरीज का पार्ट आप है आप एक्सरीज में लगवा सकते हैं कंपनी फिटेड ही बाकी ऊपर की साइड चलेंगे तो यहाँ पर आपको आई आर मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ मिलता है ऑटोमेटिक आई आर यहाँ पर नहीं मिलता है एंड इधर की साइड आपको हेलोजन में कैबिन लैंप मिल जाता है यहाँ पर

बाकी इधर की साइड आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है प्रॉपर स्पीकर है यहाँ पर अंदर बैठ के बात करेंगे अभी तो पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं कोई भी होल्डर्स वगैरह यहाँ पर नहीं है एंड सीट्स आपको यहाँ पर 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है जो काफी अच्छी बात है सीट को एक सीट को रिक्लाइन करके आप बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड दोनों ही सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल एड्रेस्ट यहाँ पर नहीं मिलती है ऑफकोर्स एंड कोई भी कप होल्डर्स वगैरह नहीं है एंड रेयर रेस इवेंट भी यहाँ पर नहीं है आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछा करने के बाद भी मेरे हिसाब से नी रूम ठीक ठाक बच रहा है एंड अंडर था सपोर्ट भी डिसेंट इनफ बच रहा है अगर कोई हट्टा कट्टा बैठेगा तो शायद उसके लिए ना बचे बट यहाँ पर आपको हेड रूम भी डिसेंट इनफ सा बच रहा है मेरी हाइट के हिसाब से एंड लॉन्ग राइड के हिसाब से ये पीछे वाली सीट जो है काफी कंफर्टेबल भी हो सकती है अगर दो बंदे बैठे तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है बट तीन बंदे बैठेंगे तो उसके लिए जो है हम्प जो है काफी अच्छा खासा बच जाता है तो वहां पर उसको दिक्कत होने वाली है बाकी तीनों ही साइड आपको हैंडल्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के ड्राइवर साइड नहीं है ऑफकोर्स बाकी का इस कार के अंदर हमें सी एनजी के ऑप्शन भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं टॉप मॉडल के अंदर जो सी एनजी के ऑप्शन आते हैं वो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है आपको नौ लाख के समथिंग वो पड़ता है बाकी जो सिंपल वाला मॉडल है वो भी अच्छा खासा माइलेज दे देता है सी एन जी में पैंतीस तक का माइलेज भी दे देती है बट ये भी पच्चीस तक का माइलेज देती है तो जो योग जो कि ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पर क्या सीन है यहाँ पर आपको जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन मिलता है एक काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है कोई भी इंजन में दिक्कत नहीं आती है वाइब्रेशन वगैरह कोई भी फालतू की नहीं है एंड बी एस सिक्स फेज टू के हिसाब से जो ये अपडेट हो चुका है तो अब ऑब और, और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है बाकी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन है तो ऑफकोर्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है राइडिंग क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और 8 लाख के ऑन रोड प्राइस पर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कोई कार देख रहे हैं 8 लाख के अंदर एंड आपको सभी डीसेंट फीचर चाहिए बेसिक फीचर होने चाहिए गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं कर रहा ना तो ये कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सभी इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर कार के स्पीकर से लेकर फॉग लैंप तक अलॉय व्हील्स तक सभी कुछ यहाँ पर मिल जाता है तो अगर आप भी इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बाकी ऐसे इन्फॉर्मेट वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा बाकी सुजू की सिलैर आपको कैसी लगती है कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद